SBI की योनो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है ये हम आपको इस वीडियो में बता देंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं SBI की योनो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों इसके फ़ायदा ये है, जैसे कि आप इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप इससे नेट बैंकिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी ब्रांच को ट्रांसफ़र करना होता है तो आप घर बैठे ही बहुत आसान तरीके से अपनी ब्रांच को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको चेकबुक या फिर डेबिट कार्ड चाहिए होता है तो आप ऑनलाइन बैठे घर बैठे ही इस एप्लीकेशन के माध्यम से इन दोनों चीज़ों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से इसके लिए अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। जैसे कि आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे आपको SBI योनो लिखना होगा और इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना होगा। यहाँ पर हमने पहले से इसे डाउनलोड कर रखा है तो हम यहाँ पर इसे डायरेक्ट ओपन करेंगे। अब जैसे कि SBI की योनो एप्लीकेशन ओपन होती है तो यहाँ पर आपको तीन तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, तो हम यहाँ पर सेकंड वाले पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने डेबिट कार्ड ATM कार्ड के माध्यम से भी इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, फिलहाल हमारे पास नहीं है तो हम अकाउंट नंबर के माध्यम से इसको एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हम थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अपना अकाउंट नंबर डालना है और इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। याद रखें दोस्तों आपको अपना अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ वही डालनी है जो आपकी पासबुक पर लिखी हुई है। तो जैसे कि आप देखेंगे हमने अपना अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दी है और इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जैसे कि नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है एक OTP का ऑप्शन। अब दोस्तों ये OTP कोड आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये OTP कोड आपके उस मोबाइल नंबर पर आएगा जो कि आपका SBI बैंक अकाउंट से लिंक है। तो अगर आपके पास ये मोबाइल नहीं है तो आप थोड़ी देर के लिए ले लीजिए और इस OTP कोड को देख लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे फिल करना होगा। जब OTP कोड आप फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन राइट्स दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर फुल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना होगा, तो आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं आप अपना नाम @ और कुछ नंबर लिख सकते हैं और इसके बाद री एंटर में भी यही पासवर्ड डालना है। इसके बाद आपको ऊपर एक यूज़र नेम रखना होगा। यूज़र नेम आप अपना नाम और उसका आगे कुछ अक्षर वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी नंबर वगैरह डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कुछ लिख के दिखा देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर ये अवेलेबल होगा तो ये आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, इसको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर रेफरेंस नंबर टू एक्टिवेट योनो। तो ये कोड आपको लेकर जाना होगा अपनी बैंक ब्रांच में और ये दिखाना होगा। इसके बाद बैंक वाले आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको एक्टिवेट कर देंगे। इसके बाद आप वहाँ पर अपनी जो नेट बैंकिंग है वो भी एक्टिवेट करा सकते हैं। अगर वहाँ पर आप नेट बैंकिंग एक्टिवेट नहीं कराते हैं तो हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे किस तरीके से आप घर बैठे नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।